बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लाइफ इन स्वीडन। कैसे हैं आप सब लोग? मेरी दुआ है कि आप लोग जहां रहें खुश और आबाद रहें, खुशियां मनाएं और खुशियां बांटें। लाइफ इन स्वीडन का ये आज का हमारा दूसरा व्लॉग, और सबसे पहले तो बहुत माजरत, मैं बहुत लेट ये व्लॉग बना रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको ये पता चल जाएगा कि मैं कहाँ मसरूफ़ थी। सबसे पहले बात करते हैं वेदर की, तो आज है -4 डिग्री सेल्सियस, और जैसे जैसे नवंबर करीब आ रहा है वैसे वैसे ठंड भी बढ़ती जा रही है। और लेकिन आज के व्लॉग ठंड से रिलेटेड नहीं है, तो मैं आज के व्लॉग की तरफ आती हूँ। आज का व्लॉग बहुत स्पेशल है उन लोगों के लिए जो इनको ये क्यूरियोसिटी होती है कि जब पेरेंट्स यूरोप में अपने कामों पर चले जाते हैं, जॉब पर चले जाते हैं और या फिर पढ़ने के लिए चले जाते हैं, तो उनके बच्चे घर में क्या करते हैं या फिर उनके बच्चे अपना डे कैसे स्पेंड करते हैं। तो आज का व्लॉग बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आप लोग मेरे साथ रहिए और देखिए कि बच्चे कैसे अपना डे स्पेंड करते हैं और अपने दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो आइए ज़रा वली को उठाती हूँ पहले और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। जी तो हम हैप्पी हैप्पी जा रहे हैं दागिस। स्वीडिश लैंग्वेज में प्री स्कूल को दागिस कहते हैं, जहाँ पर 1 साल से लेकर 4 से 5 साल तक की उम्र के बच्चे मौजूद होते हैं, लेकिन डिफरेंट सेक्शंस में। और आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि 2 से 3 साल के बच्चे या फिर 1 से 3 साल के बच्चे कैसे अपना दिन स्पेंड करते हैं और उनके लिए क्या एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं दागिस में। लेकिन मैं बच्चों को फिल्म नहीं कर सकती थी बिकॉज स्वीडिश लॉ के मुताबिक ये अलाउ नहीं है कि आप किसी की वीडियो बनाएं। तो बट थैंक्स टू नोर शैनन, उन्होंने मुझे ये क्लिप्स बनाने दिए। और नोर शैनन जो है वो वली के स्कूल का नेम है। पर मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखाने वाली हूँ कि बच्चे इनडोर एक्टिविटी कैसे करते हैं स्कूल में। और अगर आप चाहते हैं कि आप बच्चों के आउटडोर एक्टिविटी भी देखें और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं कि हम इस सिस्टम के अंदर कैसे एंटर हो सकते हैं, अपने बच्चे को कैसे एडमिट करा सकते हैं और किस तरह हमारा बच्चा एडमिट होगा स्कूल में, उसका फीस शेड्यूल क्या होगा, उसकी फ़ीस कितनी होगी, वो सब जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इफ़ यू वॉन्ट दैट वीडियो और व्लॉग। अब मैं यहाँ पर वली को कर रही हूँ अपने इस स्कूल के सिस्टम में चेक इन, और ये बहुत ज़रूरी होता है जब आप बच्चे को स्कूल ड्रॉप करते हैं, ताकि इनके सिस्टम में इस बारे में इंफॉर्मेशन आ जाए कि आपका बच्चा इस टाइम स्कूल पहुँच चुका है अपने टाइम के मुताबिक। ये वॉशरूम है इन स्कूल के, बच्चों के लिए नहीं है ये, पेरेंट्स के लिए या फिर कोई बाहर से है तो उनके लिए। वो देखिए सामने उन्होंने लिखा हुआ है कि कैमरा अलाउ नहीं है। और ये वो सेक्शन है जहाँ पर बच्चे अपने शूज़ वगैरह उतारते हैं और अपने ड्रेसेस जो वो आउटडोर एक्टिविटी के लिए पहनते हैं वो उतारते हैं। और ये उनके कुछ क्लिप्स बनाए हुए हैं बच्चों के जो एक्टिविटी करते हुए, लेकिन आप देखिए उसके अंदर भी बच्चों के फेसेस नज़र नहीं आ रहे बिकॉज अलाउ नहीं है एज आई टोल्ड यू बिफोर। और अब हम जा रहे हैं एक रूम में जिसको कहते हैं ड्राई रूम, और इस ड्राई रूम के अंदर बच्चे जब बाहर से आते हैं और बाहर बारिश के पानी में खेल रहे हैं, कीचड़ में खेल रहे हैं, किसी भी तरह से अपने आप को उन्होंने गीला कर लिया है, तो ये एक ड्राई रूम है। इसके अंदर आप बच्चों के कपड़ों को हैंग कर देते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं। तो क्योंकि स्नो में यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ये, बिकॉज जब स्नो में बच्चे बाहर एक्टिविटी करते हैं या फिर बारिश के मौसम में जब बाहर एक्टिविटी करते हैं, तो उसके बाद वो सारे उनके ड्रेसेस गीले हो जाते हैं। तो अगर आप उनको वैसे ही हैंग कर देंगे आके अंदर तो वो सब मैसी हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कितना नीट एंड क्लीन ये स्कूल है और बहुत अच्छा यहाँ का सिस्टम है। और ये जो इस टाइम आपको एक स्टैंड नज़र आ रहा है, यहाँ पर बच्चों की सेफ्टी जैकेट्स होती हैं और एक छोटी सेफ्टी किट जो है वो आपको इसी जगह पर मैं आपको दिखाती हूँ, अभी वो यहीं पर आपको नज़र आएगी। लेकिन उससे पहले आप ये देखें कि
इसके ऊपर आपको स्वीडिश लैंग्वेज में बताया हुआ है कि हर हर वेदर के आपको कौन कौन से कपड़े बच्चों के लिए चाहिए, और आपको वो कपड़े बच्चों को देने होते हैं, स्कूल के अंदर भी बच्चों को चाहिए होते हैं वो कपड़े। और ये हर हर बच्चे का एक एक कैबिनेट बना हुआ है, और कैबिनेट के ऊपर बच्चों की पिक्चर्स लगी हुई हैं, और ये शू रैक्स हैं जहाँ पर बच्चे जो है वो अपने शूज रखते हैं। और ये मैं आपको वली का कैबिनेट बस दिखा सकती हूँ, तो ये देखिए वली साहब का कैबिनेट है, और बड़ी शरारती पिक्चर बनवाई हुई है उसने। और ये वली के मैंने कुछ कपड़े दिए हुए स्कूल में, जो कि उन्होंने यहाँ लिखा हुआ है कि आपको क्या क्या चाहिए, और कुछ पैंट्स और कुछ अंडर शर्ट्स और शर्ट्स और इस तरह की चीज़ें, एक्स्ट्रा शूज़ और सॉक्स, ग्लव्स, इस तरह की चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, ताकि अगर बच्चा आपके कपड़े अपने कपड़े गंदे कर लेता है तो वो उसको चेंज कर सके, और बच्चा गंदे कपड़ों में ना फिरता रहे। और उसके अलावा पैम्पर्स आपको देने होते हैं स्कूल में। ये देखिए ये सारा उन्होंने एमरजेंसी से रिलेटेड जितना भी इंतज़ाम है वो सारा उन्होंने किया हुआ है, हर लिहाज से बहुत अच्छा है। और ये स्टाफ के कैबिनेट्स हैं जहाँ पर स्टाफ अपनी जैकेट्स वगैरह हैंग करते हैं सब। और अब हम जा रहे हैं वली के सेक्शन में, और इस सेक्शन का नाम है कैस्टर, और आज हम जा रहे हैं इस कैस्टर सेक्शन में, और मैं आपको दिखाती हूँ कि इसके अंदर बच्चों की कैसे एक्टिविटीज की जाती हैं। ये देखें एक बच्चों का छोटा सा मजे का हट बनाया हुआ है, बच्चे बहुत पसंद करते हैं अपनी एक स्पेस, तो ये बच्चों के लिए बनाया हुआ है वो स्पेस के लिए। इसके साथ साथ ये कुछ टीचर्स की एक्टिविटीज के लिए एक रैक है जहाँ पर टीचर्स हर एक चीज लिखती हैं कि बच्चे ने पी किया, पू किया या नहीं किया, कितनी देर सोया, कितना खाना खाया, और वो सारी चीजें। और लर्निंग एक्टिविटीज बहुत अच्छी हैं, बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं बच्चों को देख के और एक दूसरे के साथ मिल के एक्टिविटी करके। और यहाँ आप देखें कि डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस बनाए हुए हैं, एक बॉक्स के अंदर जस्ट एनिमल्स हैं, एनिमल साउंड्स के साथ जब वो प्ले करते हैं म्यूजिक, तो फिर साथ में वो दिखाते हैं। और ये देखें काउंटिंग बच्चों को याद करवाने के लिए कुछ एनिमल्स बनाए हुए हैं साथ में। और यहाँ पर देखें मौंदा तीस्ता उस्ता थोशता, मीन्स मंडे ट्यूजडे वेंसडे फ्राइडे। और जिस दिन मैंने वीडियो बनाई थी उस दिन मेरे ख्याल से वेंसडे था, तो इसलिए सॉरी थर्सडे था, इसलिए थर्सडे से आगे उन्होंने डेज नेम नहीं लगाए, जो दिन होगा उस दिन का नेम लगाएंगे। ये स्टोरी कॉर्नर है, यहाँ पर एक बच्चों की छोटी सी लाइब्रेरी है और बच्चों की स्टोरी बुक्स पड़ी हैं। बच्चे बहुत मज़े से और बहुत शौक से स्टोरी सुनते हैं, तो टीचर्स जो हैं वो उनको बिठाती हैं अपनी लैब में बिठाती हैं और अपने आसपास बिठा कर उनको बहुत मज़े मज़े की स्टोरी सुनाती हैं, और बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं। और बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इंसेक्ट्स के नेम्स, एनिमल्स के नेम्स और उनकी पिक्चर्स वगैरह दिखाने के बजाय उन्होंने उसकी एक वो आर्टिफिशियल डमीज रखी होती हैं यहाँ पर, ताकि बच्चे उनको देखें और उनसे लर्न करें। और आप इस सेक्शन में देख रहे होंगे कि हर हर जगह और हर हर कोने में बच्चों की लर्निंग की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर मौजूद है। ये एक स्पेशल रूम है, और इस रूम के अंदर बच्चे फन करते हैं। ये देखिए बच्चों के कॉस्ट्यूम हैं पड़े हुए यहाँ पर, जो बच्चे पहनते हैं और डांस वगैरह करते हैं, फन करते हैं पॉइंट्स पे और डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं। वो इतना बड़ा सा मिरर लगाया हुआ है बच्चों के लिए, ताकि बच्चे अपने आप को देखें और खुश हों। और ये छोटा सा डाइनिंग टेबल, और देखिए जी नाश्ता तैयार है, आ जाइए किसने नाश्ता करना है। इतना मज़े का यमी एग बनाया है बच्चों ने, और ये उनका एक छोटा सा डाइनिंग टेबल है जहाँ पर बच्चे बैठते हैं और उनको मैनर्स सिखाए जाते हैं दरअसल, कि आपने चेयर पे कैसे बैठना है, अपनी प्लेट से आपने कैसे खाना उठाना है और उसको कैसे खाना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। और अब मैं नेक्स्ट जिस रूम में जा रही हूँ, ये है बच्चों का सोव रूम, मीन्स बच्चों का सोने का कमरा, और स्लीपिंग रूम कहते हैं जिसको। ये देखिए बच्चों के इतने छोटे छोटे बेड लगाए हुए हैं यहाँ पर, और हर हर बच्चे का फेवरेट स्टफ टॉय उसके साथ है। और ये मेरे बेटे का फेवरेट टॉय है, और इसका नाम है गुगु, वली नहीं, इसका नाम गुगु रखा हुआ है, और वली बहुत मज़े से इसको लेके सोता है। और बच्चों को सिखाते हैं यहाँ पर कि आपने कैसे अपने वक्त के मुताबिक सोना है और किस तरह से आपने खुद से सोना है यहाँ पर। और ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अभी भी पेसिफायर लेते हैं, तो उनकी पेसिफायर्स उनके नेम के साथ रखी हुई हैं। और ये एक छोटा सा अलार्म है, ताकि अगर कोई बच्चा उठ जाए और एकदम से कोई साउंड होगा रूम में, तो उनको फौरन से पता चल जाएगा स्टाफ को बाहर, और वो जल्दी से आके बच्चे को पिक कर लेंगे। ये एक लाइट टेबल है, और यहाँ पर देखें आर्टिफिशियल नहीं सॉरी नॉट आर्टिफिशियल, ये रियल लीव्स हैं और ये रियल प्लांट्स हैं, बच्चों को जंगल में लेके जाते हैं ताकि बच्चे एक्सप्लोर कर सकें।
और उनके साथ ये रियल प्लांट्स के ये कुछ सैंपल्स जो है वो वहाँ से इकट्ठे करते हैं और बच्चों के साथ बच्चों को प्लांटिंग करना सिखाते हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है कि बच्चे को बचपन से ही प्लांटिंग कैसे करते हैं, गार्डनिंग कैसे करते हैं और किसी भी चीज़ की इंफॉर्मेशन देना, क्रेन कैसे काम करती है, ट्रक कैसे काम करता है, एम्बुलेंस कैसे काम करती है, एयरपोर्ट पे हम क्या एक्टिविटी करते हैं, वो कौन सी जगह है, ये सब चीज़ें बताई जाती हैं। ये मुझे बहुत मज़े का आइडिया लगा था। ये टॉयलेट रोल्स बच्चे बहुत आराम से इसको उठा सकते हैं और बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाए हुए हैं उसके, ये भी कुछ इसी तरह के ब्लॉक्स और बड़े मज़े के और बड़ी फन वाली एक्टिविटीज़ हैं जो यहाँ पर सब रखी हुई हैं और कुछ रियल प्लांट्स भी रखे हुए हैं ताकि अंदर का टेम्परेचर जो है वो भी अच्छा रहे और नॉर्मल रहे। और ये देखिए बच्चों ने एक्टिविटी की हुई है कोई और ड्राइड लीव्स जो है वो यहाँ पर हैंग किए हुए हैं और ये बताने के लिए कि लीव्स को कैसे ड्राई करके सेव किया जाता है। ये देखें ये कुछ और फ्रेश सैंपल्स हैं जो इन्होंने जंगल से कलेक्ट किए थे कल। बहुत अच्छी और बहुत इन्फॉर्मेटिव एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं बच्चों को। और अब मैं लेके जा रही हूँ टॉयलेट रूम में बच्चों के, और ये छोटा कमोड लगा हुआ है जिसका छोटा सा दरवाज़ा है उन बच्चों के लिए जो इजीली टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ डायपर्स रखे हुए हैं, हर हर बच्चे के साथ उसका नाम लिखा हुआ है ताकि जब उनके डायपर्स ख़त्म हो जाएं तो फिर बच्चों के पेरेंट्स को उनकी टीचर्स जो हैं वो बता सकें। उनके कैबिनेट पे एक स्टिकर लगा देते हैं कि अब उनके डायपर्स ख़त्म हो गए तो आप उनके मज़ीद डायपर्स ला दें। ये लॉन्ड्री बास्केट रखी हुई है और वो छोटे बच्चे जो अभी टॉयलेट यूज़ नहीं करते उनके लिए जगह बनाई हुई है जहाँ पर बच्चों के डायपर्स चेंज होते हैं। और ये फर्स्ट एड किट और साथ में कुछ पिक्चर्स ताकि बच्चे भी लर्न कर सकें कि इसको कैसे यूज़ किया जाता है और हाथ कैसे धोते हैं और कब कब हाथ धोने हैं, ये सब बातें बच्चों को यहाँ सिखाई जाती हैं। और बच्चे खुद से हैंड वॉश करते हैं और ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को अपना काम खुद करना सिखाया जाता है यहाँ पर। ये देखें यहाँ पर कुछ बॉटल्स हैं और उनके अंदर कलर्स फिल किए हुए पानी के अंदर। बॉटल्स को वैसे सील किया हुआ है ताकि बच्चे उनको खोल ना सके, लेकिन बच्चे लर्न कर सके कलर्स को। और पानी तो वैसे बच्चों को बड़ा पसंद होता है तो इसलिए बच्चों की पसंद की सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी जिससे बच्चे बहुत इंजॉय होते हैं। और अब मैं इस टाइम जाना चाहती हूँ वाटर रूम में, लेकिन वो ज़रा बिजी था। ये देखें प्रोजेक्टर ऑन है और पानी के अंदर क्या एक्टिविटी हो रही है और वो बच्चों को दिखा रहे हैं इस टाइम। वो एक्टिविटी बच्चों को इसलिए दिखाई जाती है ताकि बच्चों को पता चले कि पानी कहाँ से आता है और इसमें कौन से जानवर मौजूद हैं, क्योंकि बच्चों के बहुत से क्वेश्चंस होते हैं ना जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं। तो ये रूम थोड़ा मैसी इसलिए है बिकॉज़ अभी अभी बच्चे यहाँ से एक्टिविटी करके गए हैं और बस उन्हीं का वेट कर रही थी मैं कि वो एक्टिविटी करें तो फिर मैं फिल्म करूँ। और यहाँ पर तमाम जितने भी वाटर एनिमल्स हैं उन सब की पिक्चर्स लगाई हुई हैं और कुछ ये ब्लॉक्स भी लगाए हुए हैं पेस्टिंग के। बच्चे का जिस चीज़ से खेलने को दिल करे बच्चा खेले, बस बच्चे को बोर नहीं होना चाहिए और बच्चा फ्री ना बैठे, कुछ ना कुछ लर्न करे। और अब हम जा रहे हैं किचन में, बच्चों के किचन में। और आप देखें छोटे छोटे चेयर्स जो हैं वो यहाँ पर सेट किए हुए हैं, बच्चों के डाइनिंग टेबल्स बनाए हुए हैं इधर। यहाँ पे बच्चों को खाना खिलाया जाता है और इसके अलावा ये देखें बड़ों के लिए भी माइक्रोवेव ओवन और कॉफ़ी मेकर और इस तरह की चीज़ें यहाँ पे आपको नज़र आएंगी पड़ी हुई। सब बच्चे यहाँ पर डिफरेंट खाना खाना पसंद करते हैं बिकॉज़ कुछ बच्चों को एलर्जी होती है, क्योंकि सारे स्वीडिश नहीं होते ना यहाँ पे, और भी बहुत से डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग यहाँ पर रह रहे होते हैं तो सबके बच्चे होते हैं। और इवन स्वीडिश लोग भी, उनके बच्चे भी, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कोई एलर्जी है किसी चीज़ से, किसी को ग्लूटेन से एलर्जी है, किसी को समटाइम कोई और लैक्टोज एलर्जी है, तो वो हर एक का जो डाइट चार्ट है या फिर उसको किस किस चीज़ से एलर्जी है वो उन्होंने फ्रिज पे लगाया होता है। और उसके अलावा किचन में आपको नहीं दिखा सकती थी बिकॉज़ किचन में इस टाइम एक्टिविटी हो रही थी और किचन में इस टाइम खाना बन रहा था बच्चों के लिए। और ये देखिए यहाँ पे बच्चों को बताया हुआ कि किस तरह खाते हैं बच्चे फ्रूकोस्ट में। फ्रूकोस्ट होता है ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट में क्या क्या चीज़ें खाई जाती हैं और उन चीज़ों के नेम और उन चीज़ों की पिक्चर्स बनाई हुई है। और ये देखें ये डस्टबिन है, डस्टबिन के ऊपर पिक्चर बनाई हुई है कि इस वाली डस्टबिन के अंदर सिर्फ आप पेपर फेंकेंगे और फिर किस डस्टबिन में आपने कैन फेंकना है और वो सारी चीज़ें। खाना यहाँ पर बच्चों का खाना भी बहुत अच्छा होता है, बहुत मज़े का होता है, लेकिन कुछ बच्चे शौक से खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं, जिनमें से वली भी एक है जो नहीं खाता खाना वहाँ पर, बस पानी पीता है और खाने के साथ प्ले करके आ जाता है। ये एक और एक्टिविटी रूम, इसको आर्ट रूम कह लें आप। यहाँ पर कलर्स के साथ खेलते हैं बच्चे और ये एप्रन रखे हुए हैं जो
टीचर्स पहनती हैं और उसके साथ बच्चों के भी एक खास ड्रेसेस होते हैं जो यहाँ पर पहने जाते हैं, क्योंकि ये आर्ट रूम है, कलर्स की चीज़ें हैं, तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड आपको हमेशा वो कलरफुल चीज़ें ही नज़र आएंगी इस रूम के अंदर। अब बहुत मज़े का ये रूम है, कलर्स रखे हुए हैं और कुछ ड्राई लीव्स और ड्राई ग्रास और इस तरह की चीज़ें रखी हुई हैं जिनको बच्चे अपनी पेंट वगैरह में और इन चीज़ों में यूज़ करते हैं। वो देखें सामने बच्चों की भी पेंट जैकेट्स पड़ी हैं और ये कुछ बच्चों ने एक्टिविटी की हुई है। इतने छोटे बच्चे क्या क्रिएट कर सकते हैं, तो बस उनको ये पसंद है ना कि वो कलर्स के साथ प्ले करें। और जो 3 साल के से ऊपर के बच्चे होते हैं उनको तो कुछ अच्छा प्ले करना आता है और वो भी एक्टिविटी करते हैं यहाँ पर आकर। और ये वॉशिंग एरिया जहाँ पर बच्चे अपने हैंड वॉश करते हैं और स्टूल्स रखे हुए हैं साथ में। कुछ बच्चे छोटे होते हैं उनका हाथ नहीं पहुँचता तो वो स्टूल के ऊपर खड़े होकर अपने हैंड वॉश कर सकते हैं। तो ये था इंडोर एक्टिविटी रूम बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ पर किस तरह अपना डे स्पेंड करते हैं। लेकिन यही नहीं, बच्चे अपना डे स्पेंड करते हैं आउटडोर भी और बाहर भी एक्टिविटी करते हैं। इवन स्नो है, बारिश है, कुछ भी है, तो बच्चे बाहर अपना दिन कैसे स्पेंड करते हैं। और उसके अलावा इस दागिस के बारे में या स्कूल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए कि आप यहाँ पे अपने बच्चे को कैसे एडमिट करवा सकते हैं और ये सिस्टम किस तरह चलता है और फीस स्केड्यूल क्या होता है यहाँ पर, तो वो अगर आप सब कुछ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको वो सारी चीज़ें दिखाऊंगी और इन्फॉर्मेशन दूंगी। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आए तो इसको कीजिएगा लाइक और मेरे इस चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब और मेरे वीडियोस को कीजिएगा शेयर, ताकि बहुत मज़े मज़े की वीडियोस दूसरों तक भी पहुंच सके। और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और आप बआसानी उसे अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सके। तो अपना रखिएगा बहुत सा ख्याल और दुआओं में रखिएगा याद, और खुशियाँ बनाते रहें, खुशियाँ बांटते रहें और अपने आसपास के लोगों को खुश रखें। और मैं मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।